सो हेलो दोस्तों, है तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले दी ओनली अपकमिंग बाइक, आप सभी की फेवरेट बाइक R15M के बारे में। जी हाँ गाइस, यामा R15M जो है जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। एंड इसी के बारे में काफ़ी सारे जो लोगों के, आप सभी फ्रेंड्स के जो है काफ़ी सारे डाउट्स थे कि इसका जो प्राइसिंग के बारे में मैं बोला था। एंड काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी सारे बंदे जो है मेरे को पूछ रहे थे कि भाई प्राइसिंग जो है आप एक बात बता रहे हो एंड दूसरे जो यूट्यूबर वगैरह हैं वो सब ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है ना। सो इस वीडियो में आप सभी को क्लैरिटी के साथ मैं समझाने वाला हूँ इसका जो प्राइसिंग के बारे में। एंड जो एक कलर आने वाला है ब्लैक कलर, जो ग्लोसी ब्लैक में आने वाला है, उसके बारे में मैं बात कर लूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो आप लोग दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाइक्स के रिलेटेड आप लोगों को के लिए मैं हमेशा लाता रहता हूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग बात कर लेते हैं यामा R15M के बारे में। सो जैसा कि सभी को पता है कि R15M जो है सितंबर महीने में, इसी महीने के एंड तक ये जो है लॉन्च हो जाएगी। सो लॉन्च डेट जो है हम लोगों को पता चला था लीक्स के माध्यम से कि 22 सितंबर को जो है, 22 सितंबर को जो है ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 22 सितंबर जो है एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है ना। आगे पीछे एक दो दिन हो सकता है, मतलब कि 20 तारीख को हो सकता है या फिर 24 तारीख को हो सकता है या फिर 25 तारीख को भी हो सकता है, आगे पीछे दो तीन दिन हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को जो बुकिंग्स की अगर हम लोग बात करें, बुकिंग्स जो है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी काफ़ी सारे शोरूम्स में, क्योंकि अभी तक जो है सारे इंडिया भर के शोरूम्स में, यामाहा के शोरूम्स में अभी तक जो है गाड़ी नहीं पहुँची, सब बस डीलरशिप के पास ही पहुंची है अभी तक जो है, सारे शोरूम्स पे नहीं पहुंची है, ठीक है ना। सो इसीलिए डिले हो रहा है, मतलब कि बुकिंग्स में काफ़ी जगह पे जहां पे पहुंच चुके हैं वहां पे जो बुकिंग स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पे उड़ीसा में एक जगह है बरमपुर, सो बरमपुर में जो है बुकिंग्स इसका R15M का जो काफ़ी लोगों ने जो किए हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं एक दो बंदे, सो उन लोगों ने मेरे को बताया कि भाई हमारा बुकिंग जो हो चुका है 4999 रुपीज़ देने के बाद वो बुकिंग हो जाता है, ठीक है ना। एंड ये जो प्राइस है गाइस, ये रिफंडेबल नहीं होने वाला है, या आप लोगों को रिफंड नहीं करने वाले वो, अगर आप लोग गाड़ी नहीं लोगे तो ये रिफंड नहीं होगा, ठीक है, ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो गाइस, अभी जो है अगर हम लोग इसकी बात करें, जो प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी सारे इशू उठ रहे थे कि कोई कोई यूट्यूबर जो है बोल रहे हैं कि भाई 2,40,000 या फिर 2,30,000 के ऊपर हो जाएगा। सो गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल भी इसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है यार, 150 cc की बाइक है, 2,30,000-2,50,000 के आसपास अगर इसका प्राइसिंग हो गया तो कौन लेगा यार 150 cc को, बाइक को कौन लेगा, मतलब कि इससे अच्छा तो KTM R200 हो जाएगा ना, मतलब कि 2,40,000 के आसपास उसका जो प्राइसिंग हो रहा है, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग R15 V3 का जो V3 का प्राइसिंग की बात करें, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस था 1,57,000 अभी चल रहा है, ठीक है, वो गाड़ी तो डिसकंटिन्यू होने वाली है। तो इसका जो R15M का जो प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इसका जो प्राइसिंग है 1,85,000-90,000 के अंदर इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। एंड R15 का जो है उसका जो प्राइसिंग है 1,65,000 तक जाने वाला है, ठीक है। सो इस दोनों गाड़ियों में 10,000-12,000 के आसपास इनका जो प्राइसिंग डिफरेंस होने वाला है, ज़्यादा नहीं होने वाला। एंड जो R15M का जो अगर हम लोग ऑन रोड प्राइस की बात करें, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है 2,10,000-15,000 के अंदर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये 2,50,000-2,50,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 2,10,000-15,000 के आसपास इसका प्राइसिंग होने वाला है। एंड मेरे जो एक दोस्त हैं वो मेरे को पूछ रहे थे कि भाई 2,10,000 के बाइक लेना चाहिए या फिर RS 200 को लेना चाहिए, जो कि बजाज की तरफ से होने वाली है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से यार आप लोगों को R15 ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे जो है अच्छा खासा फीचर्स मिलता है, इंजन रिफाइनमेंट जो मिल रहा है, ठीक है ना, बजाज में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस में ये गाड़ी मिलेगी, ठीक है, आप लोगों को मतलब कि 1,000-1,500 रुपये में, 1,500 रुपये में इसका मेंटेनेंस आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब एक जो है आप लोग सर्विसिंग आराम से 1,000 रुपये के अंदर ही हो जाएगा इसका, ठीक है। सो अब बजाज पल्सर RS 200 जो है उसका अगर आप लोग मेंटेन बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आप लोग के पास जॉब है, ठीक है, आप लोग अगर खुद से आप लोग जरूर यार उसको मेंटेन कर सकते हो, लेकिन लुक्स के मामले में ये जो है R15M जो है RS 200 से काफ़ी अच्छा है। एंड
इसमें जो है हम लोगों को LED का फुल्ली सेटअप मिल जाता है एंड जो TFT डिस्प्ले इसमें मिलता है एंड जो है सबसे मेजर पार्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे USD सस्पेंशन जो मिल रहा है एंड वो शायद से एडजस्टेबल भी मिल सकता है, लेकिन बजाज RS 200 में जो है हम लोगों को वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, सो यही था कुछ डिफरेंस यार। एंड आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इसका जो प्राइसिंग है 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हो जाएगा, तो R15M का जो प्राइसिंग है 2 लाख 10,000 से 15,000 के अंदर ही रहेगा, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एंड गाड़ी जो है आप लोगों को 22 से 24 तारीख या फिर 25 तारीख के अंदर ही ये लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। एंड जो बुकिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो बुकिंग्स जो है आप लोगों को शायद से 15 तारीख के बाद जो है बुकिंग स्टार्ट हो जाए किसी किसी की जगह पे, किसी के जहाँ पे भी मतलब कि गाड़ी अवेलेबल हो जाए ना वहाँ पे बुकिंग शायद से स्टार्ट हो जाए। एंड काफ़ी अभी मतलब कि शोरूम्स में अभी तक भी गाड़ी के बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं। यहाँ पे मैं जब बालेश्वर में हमारे घर के पास गया तो उन लोगों को भी ठीक से पता नहीं था, मैंने उनको फोटोज़ वगैरह दिखाए तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि हाँ भाई ये आ रही है, लेकिन हम लोगों को बोलने का नहीं मतलब कि कंपनी की तरफ से हम लोगों को बोलना नहीं है किसी को भी, ठीक है ना, रिवील अभी नहीं करना है। सो मैंने बहुत मुश्किल से उन लोगों को पटा पटा के बात जो है उन लोगों से निकाली। ठीक है, सो यही था कुछ अपडेट गाइस R15M के ऊपर। एंड जो एक न्यू कलर स्कीम के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक जो ब्लैक कलर है वो आने वाली है R15 के अंदर, ठीक है ना। सो वो होने वाली है ग्लॉसी ब्लैक में, क्योंकि जो R7 ने R15M जो है R7 से फुली इंस्पायर्ड होने वाली है। एंड R7 जो है उसमें एक ब्लू और मेट ब्लू कलर का एक कॉम्बिनेशन वाला ब्लू जो मिलता है, ठीक है, उसी टाइप का कलर में हम लोगों को R15M में भी देखने को मिला था वो लीक्स में। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैक कलर भी ग्लॉसी ब्लैक में भी हम लोगों को मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो यही था कुछ गाइज आज के वीडियो में अपडेट R15M के बारे में। एंड आप लोगों का कोई भी अगर कुछ भी डाउट्स हो आप लोग जरूर मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों में से मेरे को जरूर कमेंट्स में ये बताना कि आप लोग जो R15M के लिए कितना वेट कर रहे हो, ठीक है ना। गाइज उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि यार जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जो है आप लोग दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।